गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ सरफेस केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अब तक आगे कर चुके थे, अब हम नेक्स्ट अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में, जीटा पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस कहा जाता था पहले, लेकिन अब इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, हम ये जान चुके हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारा डिस्पर्जन फेज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन फेज जो होगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। अपोजिटली चार्ज वो दोनों रहते हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई यू ट्यूब कोई शेप ट्यूब हो हमारे पास, और इसमें मैंने इस तरीके से कैथोड और एनोड फिक्स कर रखे हों, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा हो, ये हमारे पास नेगेटिवली और ये हमारे पास पॉजिटिवली, और इसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन पुट कर रखा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जाएगा, अपोजिटली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल है, डिस्पर्जन फेज जो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। यानी कि यहाँ से जितना भी सारा पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल है, वो सारा कहाँ एग्रीगेट हो जाएगा, सारा के सारा एक इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या कहलाती है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरोसिस कहलाता है। इसे पहले कैटाफोरोसिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सारे जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादातर कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे और वो कैथोड की तरफ मूव करते थे। दैट्स वाई हम इसे कैटाफोरोसिस पहले कहते थे। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास डिस्पर्सिव फेज जो है, कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हैं, इसी वजह से अब हम इसे इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में कोलोइडल पार्टिकल यानी कि डिस्पर्जन मीडियम जो है केवल वो हमारा मूव करता है, डिस्पर्जन फेज मूव नहीं करती। यानी कि अगर हमारे पास एक हम इस तरीके से सेटअप तैयार करें, उस सेटअप में हम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, मान लीजिए ये मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ हमने कोलोइडल सॉल्यूशन फिल्ड कर रखा है, और बाहर हमारे पास यहाँ पर वाटर है, दोनों तरफ यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास वाटर है, और ये क्लोज है यहाँ से इसकी डिस्चार्ज की जगह। तो इसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में केवल डिस्पर्जन मीडियम ट्रांसफर करेगा टू वाटर, और अगर हम इसमें क्या करा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा दें, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा देते हैं, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराने पर डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं होते, इसमें केवल डिस्पर्जन मीडियम पास होता है। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज फिनिश हो चुकी हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कोगुलेशन। नेक्स्ट वन इज कोगुलेशन। कोगुलेशन के और भी दो नाम है, कोगुलेशन कहा जाता है, इसे प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है, इसे फ्लॉक्यूलेशन भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं ये कोगुलेशन क्या है। आप जानते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में। अगर हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, लाइक NaCl, लाइक KCl, लाइक CaCl2, अगर हम इनको डिसॉल्व कराते हैं, अगर हम इनको मिलाते हैं किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो अपोजिट चार्ज लेकर के पार्टिकल्स जो हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद, भारी होने के बाद, वो क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे जम जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क ऑल्सो अ कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें विनेगर डाल देते हो, विनेगर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसमें जब आप विनेगर डालते हो तो सारे जो आपके पास प्रोटीन है वो सारा नीचे बटर इकट्ठा होकर के जमा हो जाता है। आप इस तरीके से सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हो। तो इसी तरीके से बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द कोलोइडल पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड टुगेदर एंड ड्यू टू हैवी मास दे सेटल डाउन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन। प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल का एग्रीगेट होना, एक साथ होना, जिससे वो लार्ज साइज पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं, दैट इज नोन एज कोगुलेशन। ये कोगुलेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराते हो जिसकी की वजह से कोगुलेशन होता है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए आप स्मॉल अमाउंट में कोगुलेशन करा, आप स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, अगर छोटे से अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराओगे तो भी प्रेसिपिटेट तो बनेगा। उस प्रोसेस को कहा जाएगा फ्लॉक्यूलेशन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, वो प्रेसिपिटेट हो गया, बट आप दोबारा उसे शेक कर दो, वो वापस कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कैसा ले रहे हो, कम, तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लॉक्यूलेशन। दैट मीन्स इफ वी एड इलेक्ट्रोलाइट एंड द प्रेसिपिटेशन अकर्स एंड इट रिवर्स बाय शेकिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इट अगेन गिव्स द कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज नोन एज फ्लॉक्यूलेशन। अगर आप हायर अमाउंट में यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप हायर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो, तो वापस आप उसे शेक करके कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज कोगुलेशन। तो प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन तो एक ही बात है, लेकिन फ्लॉक्यूलेशन का क्या मतलब होता है? फ्लॉक्यूलेशन में स्मॉल क्वांटिटी में क्या यूज किया जाता है? स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज एंड इट इज अ रिवर्स प्रोसेस, यानी कि अगर हम शेक करें तो वापस से कोलोइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। ये किस में है? कोगुलेशन में। कोगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, डेफिनेशन वाइज इस चैप्टर में बहुत पूछा जाता है। इसे बात कर रहे हैं हार्डेसिस ए लॉ की। हमने अभी पढ़ा है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब हमने पढ़ लिया। कोगुलेशन क्या होता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करा रहे हैं तो पार्टिकल्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज कोगुलेशन। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वो मिनिमम अमाउंट जो एक लीटर कोलोइडल पार्टिकल्स को एक लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराया जाए और कंप्लीट कोगुलेशन करा दे, उसे हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? कोगुलेशन वैल्यू। अगर मान लीजिए NaCl को ऐड करा रहे हैं और वो कोगुलेशन एक लीटर में जल्दी करा रहा है और हम KCl को ऐड करा रहे हैं, उसकी वैल्यू कम आ रही है, तो कोगुलेशन वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? कोगुलेशन वैल्यू हमारे पास उसी इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होगी जो कोगुलेशन जल्दी करा रहा होगा। जिससे कोगुलेशन जल्दी होगा उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं इसमें जो एक लॉ यूज होता है, हार्डे-सुल्ज़े लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ। हार्डे-सुल्ज़े लॉ क्या कहता है? पहला पॉइंट इसका ये है,
कि जो हम कोगुलेशन करा रहे हैं, कोगुलेशन कराने में हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा कोलॉइडल पार्टिकल का अपोजिटली चार्ज होगा। मान लीजिए अगर आपके पास सोल जो है वो नेगेटिवली चार्ज यूज़ है, नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन से होगा। अगर सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट यूज़ होगा। इसका मतलब क्या है? द इफेक्टिव आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्टिव आयन जो कोगुलेशन करा रहे हैं, द इफेक्टिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच ब्रिंग कोगुलेशन ऑलवेज कैन कंटेन अपोजिट चार्ज, हमेशा क्या होंगे? अपोजिट चार्ज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए As2S3 है, हमने पढ़ा था As2S3 कैसा सोल होता है, नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। कैसा सोल है ये? नेगेटिवली चार्ज सोल है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज सोल है तो हमें इसका कोगुलेशन कराने के लिए पॉजिटिव आयन्स चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव आयन्स चाहिए। जैसे पॉजिटिव आयन में हमने ले लिया KCl, KCl क्या प्रोवाइड कराएगा? K पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा। K पॉजिटिव किसको कोगुलेट करेगा? इस नेगेटिवली चार्ज सोल को ये कोगुलेट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इस रूल का कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका चार्ज हमेशा कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट होता है। सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू कोगुलेट। मतलब अगर उस पर वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, चाहे पॉजिटिव वैलेंसी हो चाहे नेगेटिव वैलेंसी हो, वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी कोगुलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आपको क्या होगा, हार्डेस्ट लॉ आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। अदरवाइज आपको आयन दे दिए, नेगेटिवली चार्ज सोल दे दिए, आपको बताना होगा किसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी। और ये इतना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देख लीजिए एक बार में, मान लीजिए मैं नेगेटिवली चार्ज सोल लिख रही हूँ, नेगेटिवली चार्ज सोल मैंने अभी जो लिखा था वही लिख देती हूँ। क्या है? As2S3, ये नेगेटिवली चार्ज सोल है, इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। जैसे KCl है, KCl क्या प्रोवाइड कराएगा? K पॉजिटिव। NaCl क्या प्रोवाइड कराएगा? Na पॉजिटिव। CaCl2 क्या प्रोवाइड कराएगा? Ca2 पॉजिटिव। AlCl3 क्या प्रोवाइड कराएगा? Al3 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज सोल है तो इनमें से पॉजिटिव आयन्स यूज होंगे। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल होगा तो इसमें से नेगेटिव आयन्स यूज होंगे। तो क्योंकि इस पर सिंगल पॉजिटिव, इस पर सिंगल पॉजिटिव, इस पर टू पॉजिटिव, इस पर थ्री पॉजिटिव, तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी है? थ्री पॉजिटिव की। तो सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी? सबसे ज़्यादा कोगुलेशन कौन कराएगा? थ्री पॉजिटिव वाला। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसके ऊपर, उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए अगर मैं पॉजिटिव चार्ज सोल की बात करती हूँ, जैसे कि FeOH का होल थ्राइस, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। अब इसके लिए हमने यूज किया सबसे पहले NaCN। NaCN आपको क्या दे रहा है? CN नेगेटिव। ठीक, आपने ले लिया CaCl2, ये क्या दे रहा है आपको? 2Cl नेगेटिव। और अगर मैंने ले लिया K4FeCN6, तो इसमें हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है? आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हुए हैं, आपको चार्ज पता चल जाएगा। इस पर चार्ज कितना आ रहा है? 4 नेगेटिव। इस पर 1 माइनस, इस पर भी 1 माइनस, और इस पर माइनस कितना हो गया? 4 माइनस। तो सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी? 4 माइनस की। यानी कि जितना ज़्यादा पावर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू होगी। यहाँ पर हमारा हार्डे-सुल्ज़े लॉ फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल एंड गोल्ड। देखिए आपने पढ़ा हुआ है लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल, दो प्रकार के सोल होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक वो होते हैं जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपस में एक्शन इजीली करते हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जल्दी सोल बना लेते हैं। लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो आपस में कम अट्रैक्टेड होते हैं और उनको आपस में हेटिंग होते हैं, इस वजह से वो सोल इजीली नहीं प्रिपेयर होते। और अगर हम स्पेशल मेथड्स के थ्रू वो सोल प्रिपेयर करा भी देते हैं तो हमें क्या कराना पड़ता है? उसको स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लायोफिलिक सोल ऐड कराते हैं थोड़े से अमाउंट में, जिससे कि लायोफोबिक सोल जो है उसे क्या कराया जा सके? स्टेबल कराया जा सके। मान लीजिए ये हमारे पास लायोफोबिक पार्टिकल है, तो हम थोड़ा अमाउंट में लायोफिलिक सोल लाइक गम, जिलेटिन, इस तरीके के लायोफिलिक सोल जो होते हैं वो उसमें ऐड कराते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इसकी सरफेस पर इस तरीके से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने की वजह से क्या बना लेते हैं? उसकी तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं।
that is called lyophilic particle protected the lyophobic particles. अब हम कितना अमाउंट में लायोफिलिक सोल ऐड कराएं, इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक नंबर दिया गया है जिसे कहा जाता है गोल्ड नंबर. तो गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड. प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन है हमारे पास? लायोफिलिक कोलॉइड. गोल्ड नंबर किसके लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर? लायोफिलिक कोलॉइड के लिए. तो गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज द मिनिमम मास ऑफ इट इन मिलीग्राम. मिनिमम मास, कम से कम मास लिया जाए जो मिलीग्राम में लिया जाए, विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल. आप जानते हो गोल्ड सोल जो होता है वो आपका कैसा होता है? गोल्ड सोल लायोफोबिक सोल होता है. तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल के 10 ml में आप जितना मिनिमम अमाउंट लायोफिलिक सोल का मिलाते हो उसे, जिससे कि अगर हम NaCl 10% का NaCl वो भी 1 ml अगर हम रैपिडली ऐड कराते हैं तो कोगुलेशन ना हो, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर. यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड या मिनिमम अमाउंट ऑफ आपके पास प्रोटेक्टिव कोलॉइड विच एडेड इन अ 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल विच डू नॉट ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन इफ 1 ml of 10% NaCl is added in it is known as gold number. यहाँ पर हमारे पास जो colloid वाला part है वो खत्म होता है. अब हम next पढ़ेंगे application of colloidal solution. ये बड़ा ही important part है application of colloidal solution, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा reasoning के question जो होते हैं वो बनते हैं कि आपके पास colloidal solution की क्या क्या application.